तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइडर सिंह। आई होप आपको थंबनेल देख के समझ आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको समझ आ गया होगा कि आज हम रिस्टोरेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। वो पेंट की पेंट रिस्टोरेशन हम दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले तो रीपेंट करके, ठीक है, ये तो बहुत मेजर प्रोसेस होता है और इसके अंदर पैसे और सब कुछ बहुत ज़्यादा लगता है। तो आज हम बेसिक वाले प्रोसेस पे जाएंगे। बेसिक प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो पेंट को सैंडिंग करके, देन उसको रबिंग करके, देन उसकी पॉलिशिंग करके बस। एंड उसके बाद पेंट स्टोर हो जाएगा। ये येलोनेस है, ये डलनेस है, वो सब वापसी आ जाती है उसकी पेंट की। तो जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊंगा, तो जो वीडियो है वो वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करा हुआ है मैंने, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड्स बहुत ज्यादा थी, तो उसके अंदर जो मैं बोल रहा था वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको वॉइस ओवर करा है। तो चलो चलते हैं स्कूटी की तरफ। तो जैसे कि हम सबसे पहले स्कूटी को उतारे हैं, नंबर प्लेट का प्रोसेस थोड़ा मैंने स्किप करा हुआ है फटाफट। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे अब आपको दिख रहा होगा सैंडिंग से, सैंडिंग हम कर रहे हैं सबसे पहले 1500 ग्रेड, देन 2000 ग्रेड, देन 3000 ग्रेड के सैंड पेपर से, बिकॉज स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा थे, नहीं तो सीधा 3000 ग्रेड के सैंड पेपर से करके हम उसके बाद सीधी बफिंग कर सकते हैं मशीन से, मशीन बफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सारे स्क्रैचेस जो पेंट पर और क्लियर कोट पर हैं, हम वो वाले स्क्रैचेस नहीं उतारेंगे जो हटा, मतलब जो जिधर से पेंट हट चुका है हम वो स्क्रैचेस तो नहीं हटाएंगे। जो रस्ट लगा है रस्ट सब हटा देंगे, रस्ट हट जाएगी। और जो येलोइश येलो कलर हो जाता है वाइट का, वो हम कर देंगे क्लियर। जो ये जैसे पर्ल वाइट पेंट है, तो पर्ल वाइट के अंदर एक ना पर्ल्स दिखते हैं, तो वो पर्ल्स भी अच्छी तरह दिखेंगे, दिखने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे आपको ये दिख रहा है कि हमने बफिंग शुरू कर दी है, आपको दिखेगा कि धीरे धीरे शाइन आनी शुरू हो जाएगी पेंट पर। अभी इतनी अच्छी शाइन नहीं आ रही, धीरे धीरे आपको देख शाइन। देखना धीरे धीरे जैसे आपको दिख रहा होगा, अब शाइन आनी शुरू हो चुकी है पेंट पर। तो ऐसे हम सारे पार्ट्स पर कर लेंगे, बट अभी मैं आपको इधर बिफोर एंड आफ्टर का एक दिखाऊंगा कि जो जिसके अंदर आप जज कर पाओगे हम बिफोर एंड आफ्टर में कैसे। ये अभी सैंड हो चुका है ये पार्ट, इसके अंदर कहीं भी रस्ट नहीं है इस टाइम। जैसे आपको ये बड़ा सा स्क्रैच दिख रहा है ना इधर, यहाँ से पेंट ही हट चुका है, तो इसलिए हम इसके अंदर पेंट तो नहीं लगा सकते, बट हाँ जो रस्ट वगैरह लगा हुआ था ना, वो रस्ट वगैरह सब हट। बाकी ये जैसे ये जो मोटे मोटे स्क्रैचेस जिधर से पेंट हमारा हट चुका है, तो वहाँ पे तो रीपेंट ही होगा, बट ये मैं आपको जैसे मशीन बफ करके दिखा रहा हूँ, तो ये मशीन बफ से आपको मैं डिफरेंस दिखाऊंगा कि बिफोर एंड आफ्टर। तभी मैंने बीच में टेप लगाई है, ये आपको बिफोर एंड आफ्टर का फर्क आपको अभी दिखना शुरू हो चुका होगा, जबकि जिस साइड में कर रहा हूँ से ऑलरेडी लाइट बहुत कम है, बट तब भी आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो चुका होगा थोड़ा थोड़ा कि एक शाइन का डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि जब हम सैंडिंग करते हैं तो पेंट की शाइन चली जाती है, तो हमने अब जो कर रहे हैं इससे हमारी शाइन कम सी आती है। अभी जो मैं आपको मतलब मेन डिफरेंस जो एक्टिवा 5 3G लिखा हुआ है उसके नीचे नीचे तो इतना नहीं दिखेगा, क्योंकि नीचे मैंने करके इतना खास करा नहीं आपको दिख रहा होगा, बट हाँ जो ऊपर वाली साइड है पैनल की एक्टिवा 3G के ऊपर वाली साइड पर आपको बिल्कुल करेक्ट दिखेगा कि हाँ कैसा फ़र्क आता है आफ्टर बफिंग। तो एक बार देख उसके बाद दिखा बफिंग के बाद। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस पर डेंट्स भी हैं, पर हमने डेंट भी रिमूव नहीं करे हैं, क्योंकि जब वो रीपेंट का पेंटिंग का प्रोसेस होगा तभी। तो अब आप देख आपको यहीं से अभी भी दिख रहा होगा पेंट उतारने से पहले ही एक डिफरेंस, क्रिस्ट
जो हमारे पर्ल्स है ना, वो पर्ल्स का दिखने का समझ आ रहा होगा कि कैसे दिख रहे हैं आपको। देखो एक येलो येलोइश शेड आ रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे येलो शेड नहीं होगा, और एक रफनेस ही दिख रही होगी इस पे, बिल्कुल स्मूथ और शाइनिंग। क्योंकि जब हम रबिंग करते हैं या सैंडिंग करते हैं तो हमारी शाइन देखते हैं जैसा कि। तो ये बस अब एक नॉर्मल वॉशिंग करी थी, वॉशिंग के वीडियो हम पाए थे। तो अब मैं आपको कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ जो कि हमारे स्कूटी की शाइन और क्रिस्टल वगैरह जैसे पर्ल दिखते हैं। ये देखो जैसे आपको अब दिख रहे होंगे बिल्कुल पर्ल अच्छे से प्रॉपर। जो हमारे पैनल से देखो जो पेंट वाले स्क्रैचेस थे वो तो हम नहीं उठा पाए जिन पर जो पेंट उतर चुका था। बाकी आपको आगे फोटोज भी दिखा दूंगा स्कूटी की। तो हाँ जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे अपनी स्कूटी को या किसी भी गाड़ी या किसी भी पेंट को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप गाड़ी के पेंट पे भी, स्कूटी के पेंट पे भी, बाइक के पेंट पे भी, किसी चीज़ के पेंट पे यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, ये स्कूटी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी, मतलब पेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सही नहीं थी, इसलिए हमने तीन तरह के सैंड पेपर यूज़ करे, 1500 ग्रेड और 2000 ग्रेड और 3000 ग्रेड। बट अगर हमारी स्कूटी की कंडीशन या किसी भी पेंट की कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन होती है, जस्ट एक डलनेस है या बिल्कुल माइनर येलो येलो है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है सिर्फ 3000 ग्रेड या 5000 ग्रेड का। ठीक है, वो एज पर कंडीशन यूज होता है। कभी कभी तो 3000 ग्रेड के सैंड पेपर से हल्की सी सैंडिंग करने के बाद हम पॉलिशिंग करेंगे एंड उसके बाद पेंट की ओल्ड शाइन वापसी आ जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राइडर सिंह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।